देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू एग्जांपल टू का क्वेश्चन नंबर टू है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है x का पावर 2/3 + 1। ओके तो चलिए हम लोग इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले x का पावर 2/3 का इंटीग्रेशन निकालेंगे, देन उसके बाद 1 का इंटीग्रेशन निकालेंगे। मींस इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 2/3 dx, और यहां पर प्लस का साइन है तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ देन 1 का 1 dx। तो x का पावर 2/3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर 2/3 का इंटीग्रेशन होगा x का पावर 2/3 + 1, और जो पावर हम लोग उसमें ऊपर लिखे है वो पावर को हम लोग नीचे लिखेंगे 2/3 + 1। मींस इंटीग्रेशन में क्या होता है कि पावर हम लोग एक ऐड करते हैं और जो भी पावर ऊपर होता है उसको हम लोग डिवाइड में भी लिखते हैं। देन अब हम लोग क्या करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन लिखेंगे। 1 का इंटीग्रेशन होता है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मींस अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। ओके अब इसके बाद एक कांस्टेंट ऐड होता है, कांस्टेंट c, इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। x का पावर 2/3 + 1, 2/3 + 1 क्या होगा, x के पावर 2 + 3 5/3 5/3, और नीचे भी क्या होगा 2/3 + 1 क्या होगा 5/3 प्लस x एंड प्लस c। अब क्या करते हैं, ये जो 5/3 डिवाइड में है इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 3/5 x^5/3 प्लस x प्लस c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन होगा। ओके अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, x^3/2 प्लस 2e^(x-1/x), इसका हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। मींस पहले इंटीग्रेशन ऑफ x^3/2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2e^(x) dx, देन यहां पर माइनस है तो माइनस साइन। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और यहां पर dx। ओके तो पहले हम लोग फाइंड करते हैं फर्स्ट का इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर एक ऐड होगा और वो पावर नीचे भी आएगा। तो x का पावर 3/2 + 1 और 3/2 + 1 क्या आएगा, नीचे भी आएगा। ओके इसके बाद हम लोग आगे का इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। तो यहां पर 2 जो है एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ये बाहर निकल जाएगा, और e का पावर x का इंटीग्रेशन होता है e का पावर x, यहां पर आ जाएगा e का पावर x, देन माइनस साइन, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x। ये 1/x का इंटीग्रेशन मैंने फॉर्मूला में आपको बता चुका है। उसके बाद आएगा कांस्टेंट c। ओके अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। x का पावर 3/2 + 1 क्या होगा, 5/2, मींस x का पावर 5/2 और डिवाइड में 5/2, क्योंकि 3/2 + 1 क्या होगा 5/2, देन 2e^(x), देन log mod x n plus c। ओके तो अब ये 5/2 को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा ये 2/5 x^5/2 प्लस 2e^(x) - log x + c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा, सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। अब हम लोग देखेंगे एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में भी हम लोग को इंटीग्रेशन फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sin x + cos x। तो चलिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो पहले इसमें हम लोग sin x का इंटीग्रेशन करेंगे, देन cos x का इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, एंड यहां पर प्लस का साइन है, उसके बाद क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। ठीक है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन होता है cos x। ओके प्लस cos x का इंटीग्रेशन होता है माइनस sin x, यहां पर माइनस sin x। ओके एंड प्लस में कांस्टेंट c, देन यहां पर हम लोग लिखेंगे cos x, और ये प्लस माइनस माइनस होता है, देन sin x + c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x * में cos x + cot x। तो इसका हम लोग को इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन होगा इसका, तो पहले हम लोग को क्या करना है, इसको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर देना है। तो वैल्यू क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x * cos x मींस cos x² x dx एंड प्लस में cos x * cot x इंटीग्रेशन ऑफ
कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। ओके तो कोसेक स्क्वायर एक्स का पहले इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, एंड प्लस में कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स, और प्लस में सी ठीक होगा माइनस कॉट एक्स एंड माइनस प्लस माइनस माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर टू का सॉल्यूशन होगा। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो हमें क्वेश्चन नंबर थ्री में फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये भी बहुत ईजी बन सकता है, तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग। तो पहले क्या करते हैं, इसे इंडिविजुअल हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स आएगा पहला डिवाइड में, वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स, उसके बाद माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ओके तो हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स अगर ऊपर जाएगा, हम इसे ऊपर अगर भेजेंगे तो ये किसमें चेंज होगा, सेक में, मीन्स ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन बाई कॉस, क्या होता है साइन बाई कॉस होता है टेन एक्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन एक्स, बट यहाँ पर एक और कॉस एक्स बच जाएगा जो कि वन बाई कॉस एक होगा, और वन बाई कॉस एक क्या होता है सेक एक्स होता है। ओके और यहाँ पर डी एक्स, तो वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख दिए हैं सेक स्क्वायर एक्स, एंड साइन बाई कॉस को टेन लिखे है, और यहाँ पर एक और कॉस जो बच जाएगा उसको हम ऊपर भेजे है और उसको क्या लिख दिए है सेक एक्स। ठीक है तो अब इसे इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, माइनस टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, एंड प्लस में सी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री का सॉल्यूशन होगा। एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है फोर एक्स क्यूब माइनस सिक्स, फोर एक्स क्यूब माइनस सिक्स। तो एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है फोर एक्स क्यूब माइनस सिक्स, उसमें साथ में दिया हुआ है वेयर एफ जीरो इक्वल टू थ्री, मीन्स यहाँ पर एक और चीज दिया हुआ है एफ जीरो इक्वल टू थ्री, मीन्स जहाँ x का वैल्यू अगर जीरो लेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा थ्री होगा। ठीक है आगे क्या लिखा हुआ है, उसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, यानी इसका इंटीग्रेशन पहले फाइंड करना है, उसके बाद f जीरो का वैल्यू थ्री में रख कर उसका इंटीग्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 6 dx, तो ये बहुत ही इजी इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। तो 4x क्यूब का पहले हम लोग करते हैं, तो 4x क्यूब का 4 कांस्टेंट है, x का पावर 3 प्लस 1 एक ऐड हो जाएगा, और जो भी पावर ऊपर ऐड होगा, जो भी पावर ऊपर आएगा वो नीचे भी लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन का ये रूल है। ओके माइनस अब 6 का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, तो 6 में कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो 6 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 6x। ओके एंड प्लस में क्या आ जाएगा c। ओके ये होगा एफ एक्स का वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स का वैल्यू। ओके अब क्या करना है हम लोग को, एफ एक्स के जगह एफ जीरो रखना है, और एफ जीरो का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ 3, मीन्स यहाँ पर अगर एफ जीरो रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जीरो इक्वल टू, इसको आगे सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पर आएगा 4 एक्स का पावर 3 प्लस 1 मीन्स एक्स का पावर 4, और बाय में 3 प्लस 1 यानी 4, माइनस ये वाला 6x एंड प्लस में c। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और इसका वैल्यू दिया हुआ है f0 का वैल्यू दिया हुआ है 3। ठीक है तो यहाँ से अब हम लोग फाइंड करते हैं c का वैल्यू, यहाँ से हम लोग c का वैल्यू निकल जाएगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग को 0 रखना है, मीन्स 4 0 का पावर 4 बाय 4 माइनस 6 इंटू में x का वैल्यू क्या रखना है 0 रखना है, प्लस c इक्वल टू 3। ठीक है तो यहाँ से ये वाला वैल्यू पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 है, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा c, मीन्स c इक्वल टू आएगा 3, c का वैल्यू यहाँ से 3 आया। अब हम लोग को क्या करना है, जो हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन निकाले थे उसको दोबारा लिख देंगे, बट वहाँ पर c का वैल्यू क्या रहेगा 3 रहेगा, तो हमारा सॉल्यूशन रहेगा इसलिए 4x टू दी पावर 4 बाय 4 माइनस 6x माइनस 6x प्लस में c, और c का वैल्यू क्या अभी हम लोग निकाले हैं 3 निकाले हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा एग्जांपल नंबर 4 का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।